भोपाल में प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही के कारण इंसान कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। भोपाल में कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है, फिर भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से कुत्तों ने एक मासूम को नोचकर मार डाला। राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। बच्चे हों या बड़े, कोई भी कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। आए दिन कुत्तों के हमले के शिकार कोई ना कोई हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन अंधा बना हुआ है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अभी कुछ दिन पहले ही आवारा कुत्ते ने 21 लोगों को काट लिया। इसके बाद एक और दर्दनाक और रूह कपाने वाली घटना सामने आई है। भोपाल के मिलाल रेसिडेंसी में 7 माह के बच्चों को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। बच्चे को सुलाकर माँ बाप सफाई कर रहे थे, जिसके बाद कुत्ते आए और बच्चे को घसीट कर ले गए और उसके एक हाथ को पूरी तरह खा लिया। बच्चे के पूरे शरीर पर कुत्तों के दांत और नाखूनों के निशान हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने कहा, स्ट्रीट डॉग्स को नगर निगम द्वारा पकड़ा गया है। कलेक्टर ने कहा कि शहर में नगर निगम को स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए वृहद अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में FIR दर्ज कराई जा रही है। डॉग स्क्वाड के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। संवेदनशील और बहुत ही दुखद मामला प्रकाश में आया है, तो हमारी संवेदनाएं, पूरी सरकार की संवेदनाएं, जिला प्रशासन की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोगों ने इस पे तत्काल एक्शन लिया है और पुलिस में कल हमने FIR के लिए निर्देश दिए हैं और वहां पे सभी के बयान हो गए हैं। इसके अलावा जो है डॉग को हमने जो एज पर नॉर्म्स पकड़ने का अभियान है वो उसके आदेश जारी किए हैं और वो काम भी शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार को जो है 50,000 की तत्काल सहायता मुहैया कराई है और इसके बाद भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।